हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चेंज फॉर जीवन। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट पीयूसी फर्स्ट ईयर यूनिट 2। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूनिट नंबर 2 और क्लास होगी पीयूसी फर्स्ट ईयर के इस क्लास का यूनिट नंबर 2 बिजनेस स्टडीज का। ये यूनिट नंबर 2 हम लोग सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूनिट नंबर 1 मैंने पूरा सिखाया है, प्लेलिस्ट में आप जाकर पढ़ सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 इज स्पेसिफिकली बिलोंग्स टू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। इस यूनिट में हमको सीखने को मिलेगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के ऊपर हम लोग सीखेंगे। देयर आर वेरियस फॉर्म्स, वन बाय वन विल स्टार्ट एंड विल डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस है उसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सो द टाइप नंबर वन ऑफ बिजनेस इज सोल प्रोपरशिप। सोल प्रोपरशिप का मतलब होता है वन सिंगल पर्सन इज मैनेजिंग द एंटायर बिजनेस। सोल प्रोपरशिप का मतलब होता है, सोल का मतलब होता है अकेला। तो यहाँ पर इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस में व्हाट इज हैपनिंग, वन सिंगल पर्सन इज मैनेजिंग द एंटायर बिजनेस। दूसरा यहाँ पे कोई होता नहीं है, एक अकेला क्या कर रहा है, यहाँ पे बंदा पूरा बिजनेस को मैनेज कर रहा है। दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड अ सोल प्रोपरशिप। तो इसका इसके फीचर्स क्या है अभी हम लोग सीखेंगे। तो फीचर नंबर वन इज फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो जब उसको लग रहा है कि उसको बिजनेस स्टार्ट करना है, वो क्या करेगा, बिजनेस स्टार्ट करेगा जब उसके पास पैसों का यू नो ही इज कलेक्टिंग एंड ही इज मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस एंड ऑल, दैट टाइम ही कैन स्टार्ट हिज बिजनेस। सो अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस ही कैन स्टार्ट द बिजनेस। कभी भी वो क्या कर सकता है, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। व्हाई, बिकॉज ही इज द सोल ओनर ऑफ द एंटायर बिजनेस। दैट्स द रीजन वो जब चाहिए तब क्या करेगा, बिजनेस को अपने स्टार्ट कर सकता है। दैट्स कॉल्ड एज फॉर्मेशन एंड क्लोजर। क्लोजर भी कैसे है, अगर उसको लग रहा है चलो मेरे को बिजनेस अभी भी कंटिन्यू करना है तो ही विल कंटिन्यू। इफ ही फील लाइक आफ्टर 5 इयर्स 6 इयर्स डाउन द लाइन मेरे को बिजनेस अभी नहीं करना है, तो बिजनेस क्या करेगा, किसी कभी भी बंद कर सकता है। नो नीड टू आस्क एनीवन, बिकॉज उसका खुद का पैसा होता है, तो कभी भी चाहे स्टार्ट करेगा, कभी चाहे तब क्या कर सकता है, वो बंद कर सकता है। सेकंड इज लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है जो अगर उसने कुछ लोन वगैरह लिया होता है बैंक से जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, अगर उसको रीपेमेंट का जब टाइम आता है, जब वो पे नहीं कर रहा है, सो दैट टाइम बैंक आएगा और उसके बैंक के उसका जो बिजनेस प्रॉपर्टी है वो सीज करेगा और उसका प्रॉपर्टी सीज करके लेके जाएगा। अगर फिर भी जितना उसने लोन लिया था अगर रिकवर नहीं कर रहा है, अगर उसके बिजनेस प्रॉपर्टी सेल करने के बाद देन बैंक विल मूव टू द हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, तो इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड। तो उसका प्रॉपर्टी यहाँ पे सीज होगा बिजनेस का और उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी या पर्सनल प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं वो सीज होने के यहाँ पे चांसेस रहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज लायबिलिटीज। थर्ड कम इज सोल रिस्क। देखो बिजनेस में रिस्क आने वाले ही है, दैट इज श्योर, है ना। समटाइम इट मे बी बिग, समटाइम इट मे बी स्मॉल, बट जो भी रिस्क आ रहे हैं बिजनेस में उसको क्या करना है, अकेले उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। सो इज इंडिविजुअली यू नीड टू मैनेज ऑल द बिजनेस डेवलपमेंट जो भी हो रहे हैं, वेदर इट इज गुड और बैड, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कंट्रोल। ही इज अ लोन पर्सन हु इज गोइंग टू हैंडल द एंटायर बिजनेस। कंट्रोल किसका रहेगा, फुल्ली इट इज सेंट्रली कंट्रोल्ड बाय वन सिंगल पर्सन, क्योंकि यहाँ पे कोई होता नहीं है। सो अकेले क्या कर रहा है, बिजनेस को मैनेज कर रहा है, उसका पैसा भी यहाँ पे खुद का होता है। तो व्हाट एवर डिसीजन ही वांट टू टेक, ही कैन टेक हिज डिसीजन फॉर द बिजनेस। सो इन द सेम वे अगर बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है तो अकेले को आएगा, लॉस भी हो रहा है तो एज अ सेड रिस्क भी आएगा, तो उसको अकेले को क्या करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। नो सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है एनी इलीगल एक्टिविटीज आर यू नो इफ ही कमिटेड, अगर कुछ बिजनेस में उसने गलत किया तो इन आईज ऑफ यू नो लॉ तो उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अकेला बिजनेस कर रहा है थोड़ा एक्सक्यूज देते हैं, ऐसा कुछ वहाँ पे होने वाला नहीं। इक्वली इज गोइंग टू बी ट्रीटेड और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इफ ही डन एनी रॉन्ग थिंग, अगर उसने कुछ बिजनेस में इलीगल या अगेंस्ट द लॉ जाकर अगर कुछ किया है तो उसको भी इक्वली ट्रीट किया जाएगा। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोपरशिप। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ बिजनेस, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस कैन बी विटनेस्ड ओनली इन इंडिया। अपने देश में उतना ही क्या मिलेगा, इस बिजनेस को हमको देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग फैक्ट 1932 के अनुसार इस बिजनेस को रन किया जाता है, एंड इट इज इट कैन बी सीन ओनली इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेर इन द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो द थिंग इज लाइक, इस बिजनेस में घर के जो लोग होते हैं, ओनली दोज पीपल आर मैनेजिंग द एंटायर बिजनेस। तो जो घर के जो लोग होते हैं वही क्या कर रहे हैं, इस बिजनेस को पूरा रन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, इसको आगे लेकर जा रहे हैं। ओनली द फैमिली मेंबर्स आर मैनेजिंग दिस बिजनेस, दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड एज हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नाउ हम लोग अभी सीखेंगे इसके फीचर्स क्या है। सो द फर्स्ट इज फॉर्मेशन। तो इसको जो फॉर्म करने का भी वक्त आता है, इट इज नॉट लाइक आउटसाइडर्स आर अलाउड इसके मैनेजमेंट में, ओनली द फैमिली मेंबर्स आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर फॉर्मिंग द बिजनेस। घर के लोग, जो भी घर के लोग होते हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको फॉर्म कर रहे हैं, लाइक यू नो ब्रदर्स, ग्रैंडफादर, जो भी घर के लोग होते हैं ना, पिताजी, उनके बच्चे जो भी होते हैं, वही लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट इज अनलिमिटेड लिमिट इज लायबिलिटी। सेकंड पॉइंट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी यहाँ पे दो तरीके से होती है, कर्ता, कर्ता इज नथिंग बट हेड ऑफ द फैमिली एंड ही इज द हेड ऑफ द बिजनेस। कर्ता मतलब जो मुखिया होता है वही क्या करता है, बिजनेस को रन करेगा और यही बिजनेस को क्या करेगा, आगे लेके जाएगा। मतलब ही इज हैविंग द साइनिंग अथॉरिटी, सब कुछ बिजनेस का कंट्रोल यही करेगा। कर्ता इज कॉल्ड एज हेड ऑफ द फैमिली एंड ही इज द मेन पर्सन ऑफ दिस बिजनेस। तो इनकी जो लायबिलिटी होती है दैट इज अनलिमिटेड, एंड अदर मेंबर जो भी उनके बच्चे वगैरह होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो लायबिलिटी कर्ता की फैमिली, कर्ता की जो भी लायबिलिटी होती है इट इज अनलिमिटेड, एंड अदर मेंबर्स का लायबिलिटी होती है लिमिटेड, अनलिमिटेड एंड लिमिटेड। तो नेक्स्ट इज कंट्रोल। कंट्रोल में आएगा तो हु इज गोइंग टू कंट्रोल एंटायर बिजनेस, एज आई सेड कर्ता इज गोइंग टू कंट्रोल एंटायर बिजनेस, ही इज हेड ऑफ द बिजनेस, हेड ऑफ द बिजनेस। हु इज कर्ता, कर्ता मतलब, कर्ता का मतलब होता है एल्डर पर्सन ऑफ द फैमिली, जो बड़ा होता है घर का वही क्या होगा, इस बिजनेस का मुखिया होगा। सो उन्हीं के अंडर क्या होगा, इस बिजनेस पूरा आगे चलेगा। इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट इज दिस बिजनेस। नेक्स्ट कम्स कंटिन्यूटी। तो ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि सोल प्रोपरशिप की तरह बंद हो सकता है, बिकॉज देयर ओनली वन सिंगल पर्सन, बट यहाँ पर एक जॉइंट फैमिली बिजनेस है। अगर किसी की डेथ भी हो जाती है उस बिजनेस के, किसी मेंबर की डेथ भी हो जाती है फैमिली मेंबर की, तो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, उसको रिप्लेस किया जाएगा। सो लाइक दिस भी कंटिन्यू, जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, बिजनेस कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट इज माइनर मेंबर्स। तो जो भी छोटे बच्चे उस घर में जन्म लेते हैं उनको भी क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, बट दे आर नॉट गोइंग टू बी लीगल
दे आर गोइंग टू पार्ट ऑफ द बिजनेस, जब तक उनकी एज एक लेवल तक होने जाती है, अब तो जब तक वो मेजर नहीं हो जाते या जब तक उनके पेरेंट्स हैं तब तक इनका ज्यादा एक्टिव रोल उसके अंदर होता नहीं है। उनके पेरेंट्स के पास दे आर द पर्सन हु कैन ज्वाइन द बिजनेस, दे कैन रिप्लेस देयर पेरेंट्स। तो ये हो गया हिंदू ज्वाइंट फैमिली बिजनेस एंड विच इज विटनेस ओनली इन इंडिया, अपने देश में उतना ही क्या करेंगे हम लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप बिजनेस। भाई इट इज वेरी कॉमनली नो बिजनेस विच कैन बी सीन इन आर कंट्री, बहुत कॉमन तरह का बिजनेस है। पार्टनरशिप का मतलब होता है दो लोग इसके अंदर चाहिए, दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं और इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। सो द नंबर फॉर मिनिमम नंबर्स टू स्टार्ट दिस बिजनेस इज टू एंड मैक्सिमम इज 100। तो दो लोग तो मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम कितने चाहिए इसके अंदर 100 लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, विच इज वेरी कॉमन, हमने बहुत इसके ऊपर सुना है, देखा भी है। सो इसको स्टार्ट किया फॉर्मेशन, इसके फीचर्स क्या, व्हाट आर द फीचर्स, फीचर इज फर्स्ट फीचर इज फॉर्मेशन। सो दिस बिजनेस कैन बी स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1932 के एक एक्ट के अनुसार इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं दो लोग मिलकर या 100 लोग तक क्या कर सकते हैं इसको मिलकर, सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड इज लायबिलिटी, सभी जो भी मेंबर्स इसके अंदर आ रहे हैं सबकी लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड, सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। अगर लोन लिया है, अगर उसको रीपेमेंट करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं कर रहे हैं, तो इनका जो बैंक आकर इनका बिजनेस प्रॉपर्टी भी सीज करेगी। अगर फिर भी लोन रिकवर नहीं कर रहा है देन देयर पर्सनल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो मे बी सीज। सो लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। नेक्स्ट कमिंग इज रिस्क शेयरिंग, नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क शेयरिंग। तो बिजनेस में अगर कुछ रिस्क वगैरह आ रहा है सो इट कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स, जितने हैं आपके 2, 3, 5, 10, 100 जितने मेंबर्स हैं सभी लोग क्या करेंगे रिस्क को शेयर करेंगे, क्योंकि सभी लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया है तो जो अच्छा होगा वो भी सबको क्रेडिट जाएगा, अगर कुछ वर्स्ट होगा तो भी सब क्या करेंगे मिलकर इस रिस्क को शेयर करेंगे। डिसीजन मेकिंग, यू कांट टेक इंडिविजुअल डिसीजंस हियर बिकॉज इट्स अ पार्टनरशिप बिजनेस, तो एवरीवन हैज टू कम इनटू द सेम प्लेटफॉर्म, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, एवरीवन हैज टू डिस्कस ऑन ईच एंड एवरी सिंगल पॉइंट, इफ एवरीवन इज ओके विद द फर्दर प्लान फॉर द डिसीजन सभी क्या कर सकते हैं बिजनेस में कुछ अलग डिसीजंस कुछ अलग प्लान्स कर सकते हैं। सो डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन बाय इंडिविजुअली, इट हैज टू बी एन कलेक्टिव डिसीजन इन दिस पार्टनरशिप बिजनेस। फिर आएगा कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी देखो अगर चार लोग मिलकर करें किसी एक की डेथ हो जाती है ड्यू टू एनी सिंगल रीजन, सो थ्री मेंबर्स कैन कंटिन्यू द बिजनेस इफ दे वांट टू डू, कंटिन्यू कर सकते हैं या उस बिजनेस को वहीं पे क्लोज भी कर सकते हैं। तो कंटिन्यू भी इट डिपेंड ऑन द मेंबर्स, डिपेंड ऑन द मेंबर्स, दे कैन कंटिन्यू और दे कैन स्टॉप द बिजनेस। ओके, मेंबर्स इसके अंदर एज आई सेड मिनिमम मेंबर्स 2 चाहिए और मैक्सिमम 100 लोग इसके अंदर चाहिए इस बिजनेस को रन करने के लिए। सो द थिंग इज लाइक ओवरऑल अगर प्रॉफिट आ रहा है तो सबको इक्वली शेयर होगा, अगर लॉस आ रहा है तो भी क्या होगा यहाँ पर लॉस जो भी लॉस हो रहा है सब लोग मिलकर क्या करेंगे इस लॉस को बेयर करेंगे। सो दिस अ पार्टनरशिप बिजनेस दैट वी हैव डिस्कस नाउ। सो होपफुली ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंटली नहीं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वॉच द वीडियो कंप्लीटली एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि पैंडमिक चल रहा है जिसको पहुंचेगा उनके लिए एक अच्छा है क्योंकि नॉलेज घर बैठे उनको मिलेगा। प्लीज शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स, आई विल सी यू विद अ डिफरेंट वीडियो नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, लाइफ मेनी ड्रीम्स। Boom.